बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर वन फिजिक्स फर्स्ट ईयर का टॉपिक है डायमेंशन। द प्रॉपर्टी विच शोज द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। डायमेंशन की डिफिनीशन है ये प्रॉपर्टी विच शोज द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो तीन तरीके से हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज होते हैं, लेंथ, मास, टाइम। इनके डायमेंशन क्या पहले लेटर लिया जाता है, ठीक है। तो लेंथ का डायमेंशन होगा कैपिटल एल, मास का डायमेंशन कैपिटल एम, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी। ये हमें याद रहना चाहिए, इससे बाकी जो है डायमेंशन हम निकालेंगे। डायमेंशन के लिए हमें या फॉर्मूला याद होना चाहिए या यूनिट याद होना चाहिए, लेकिन हम इस वीडियो में फॉर्मूले के जरिए से डायमेंशन निकालेंगे क्योंकि ये आसान होते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये फासले है दोनों, ठीक है, जो भी फासला होगा वो हम लेंथ लेंगे, एल लेंगे। तो लेंथ, इसका डायमेंशन जो है हमारे पास कैपिटल एल, हमने इसमें पुट कर दिया, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई पुट किया। विड्थ का डायमेंशन कैपिटल एल, क्योंकि ये भी फासला है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके एल स्क्वायर बन जाएंगे। क्योंकि आपका मैथ का बेसिक रूल है कि जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो पावर जमा। अब एक पावर इस एल का, एक पावर इस एल का, पावर दो बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये आप याद रखेंगे जुबानी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये लेंथ जो है ये तो हमें पता है फासला है, इसका डायमेंशन कैपिटल एल डाल दिया, विड्थ का डायमेंशन कैपिटल एल, और हाइट भी जो है ना फासला है, ठीक है। तो हाइट ऊंचाई को कहते हैं, तो ये भी फासला है, इसका भी डायमेंशन कैपिटल एल। तीन एल मल्टीप्लाई होंगे तो पावर सबका एक एक है, जमा करके एल क्यूब बन जाएगा। अगली तीसरी नंबर पे डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम, और डिवाइड है, डिवाइड लगा देंगे। वॉल्यूम का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, एल क्यूब होता है, तो यहां पे इसको डाल देंगे तो एम एल क्यूब, तो ये डेंसिटी का डायमेंशन आ जाएगा हमारे पास। अब यहां पर ये डिवाइड में है तो इसको ऊपर भेज देंगे, तो हमें याद रहना चाहिए कि डिवाइड से नंबर ऊपर जा रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है, तो डायमेंशन ये पावर जो है प्लस का है थ्री, ये हो जाएगा माइनस का। ये दो बेसिक रूल आपको याद रखने हैं, जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा तो पावर जमा, डिवाइड से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अगला है डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट भी फासला है, तो हमने एल डाल दिया, डिवाइड है, डिवाइड लगा दिया, इस टी को ऊपर कर दिया तो ये एल टी माइनस वन बन जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये बहुत सारे फॉर्मूलों में इस्तेमाल होता है, वेलोसिटी डायमेंशन वहां पे हमारे काम आएगा। अगला है डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन जो है निकालने के लिए फॉर्मूला लिख देंगे, ए इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये जो वेलोसिटी का डायमेंशन है, देखिए हमने निकाला हुआ है, एल टी माइनस वन डाल दिया, डिवाइड था, डिवाइड लगा दिया, और टाइम का डायमेंशन टी है। अब एल टी माइनस वन ये वाला हमने यहां लिख दिया, ये डिवाइड में जो टी है इसको ऊपर कर दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा टी की पावर माइनस वन। अब यह देखे ये दो, ये भी टी है, ये भी टी है, तो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर माइनस वन ये हो जाएंगे एल टी माइनस टू, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस में पावर जमा हो जाते हैं और साइन माइनस का रहेगा। अगला है डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला है एफ इक्वल टू एम ए। अब m का डायमेंशन जो है कैपिटल m है, और एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, तो ये हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिक है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ये याद रख के बहुत सारे जगहों पे ये काम होगा। डायमेंशन ऑफ वर्क, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का फॉर्मूला अगर आप खोलना चाहते हो एम ए है, अगर डायरेक्ट डायमेंशन याद है तो यहाँ पर डायरेक्ट डाल देंगे इसकी जगह, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो एम का डायमेंशन होता है कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, डी का डिस्प्लेसमेंट है फासला है तो एल हो जाएगा। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास एल है ये सेम है, तो एक एक पावर है दोनों का, एक और एक क्या हो जाएगा दो,
और टी माइनस टू एस ई अपनी जगह पे आ जाएगा, एम अपनी जगह पे आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास बन गया वर्क का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसके बाद डायमेंशन ऑफ प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का होता है एम ए फॉर्मूला और डिवाइड एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर डाल दिया। अब एम का डायमेंशन हमें पता है कैपिटल एम है और ए का एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू है, तो ये हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको ऊपर भेज देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई एल स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ गया और ये एल ये सेम है, इसका पावर वन है और इसका माइनस टू है, तो वन माइनस टू हो जाएगा माइनस वन। तो प्रेशर का डायमेंशन बना एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसके बाद है डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना चाहिए एम मल्टीप्लाई वी। एम का डायमेंशन, मास का डायमेंशन कैपिटल एम, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एल टी माइनस वन। ये इम्पॉर्टेंट है, प्रेशर वाले भी इम्पॉर्टेंट है, एम सी क्यूज के लिए वर्क का, ये सब का इम्पॉर्टेंट है। डायमेंशन ऑफ स्मॉल जी, तो स्मॉल जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, इसीलिए एम डब्ल्यू इक्वल टू एम जी यहाँ पर एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू। तो एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू जो एक्सेलरेशन के वो इसी का भी है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये आपने ये लिख देना है डायरेक्ट एल टी माइनस टू, डायमेंशन इसका एक्सेलरेशन वाला ही है, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन है ये वर्क का है, तो अब आप वर्क का फॉर्मूला आपको याद हो तो वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क का सॉरी वेट है, ये डायमेंशन ऑफ वेट, यहाँ पे इसको वेट कर देंगे, ठीक है। तो ये सही करें डब्ल्यू ई आई जी एच टी, तो वेट डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, तो ये मास है, मास का एक्सेलरेशन एम, जी का एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, तो इसमें पुट करके ये हमारे पास आ जाएगा, ये वेट का है। इसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जो है लेमडा से जाहिर करते हैं, इसको कहते हैं लेमडा, एल ए एम बी ई डी ए, इसको वेवलेंथ कहते हैं। और इसका डायमें, क्योंकि ये भी फासला है, ठीक है, ये इसके वेव्स के दरमियान फासले को कहते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो फासला होता है वो हमारे पास लेमडा होता है, या ये जो फासला होता है ये लेमडा होता है, इसका डायमेंशन भी कैपिटल एम होगा, ठीक है। तो आगे जो है क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ डिस्टेंस बिटवीन टू कनेक्टिव ट्रफ और क्रेस्ट इज कॉल्ड वेव लेंथ एंड डिनोटेड बाय लेमडा। ये आपको मैंने जो है डायग्राम से बताया, जो ऊपर फासला है और नीचे फासला, नीचे क्रेस्ट कहलाता है, ऊपर ट्रफ कहलाता है। इसके बाद फॉर्मूला है ग्रेविटी कैपिटल जी, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से। ये फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया है हमने, यहाँ से हमने जी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये आया कहाँ से वो बता रहे हैं, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई है, नीचे आएंगे डिवाइड, तो ये बनेगा एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू इक्वल टू कैपिटल जी। अब यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन डालने से पहले इसको कॉल दिया, सिर्फ एम ए लिख दिया, आर फासला है, इसका डायमेंशन एल स्क्वायर डाल दिया और एम वन एम टू ऐसे ही लिखा। आप ये स्टेप अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो छोड़ दें, और इसका याद होना चाहिए एम एल टी माइनस टू होता है इसका, और एल ये एल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे दो एम है तो एम एम आ जाएगा। अब ये दोनों जो है एम और एम कैंसिल हो जाएंगे, तो बनेगा ये ऊपर चला गया एम माइनस वन एल एल दो एल और एक एल एल क्यूब टी माइनस टू अपनी जगह पे, तो कैपिटल जी जो है मोस्ट एम। थर्टीन डायमेंशन हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये है टाइम, तो इसका डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस है, तो इसको ऊपर भेज देंगे टी माइनस वन हो जाएगा।
इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से जाहिर करते हैं, ओमेगा अपॉन टी है, ओमेगा का डायमेंशन टी माइनस वन है और टी जो है ऊपर भेज दिया ये वाला, तो टी माइनस वन टी माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा। अगले डायमेंशन है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने डायमेंशन जो है डालने से पहले वन अपॉन टू ख़त्म किया, बिकॉज वन अपॉन टू इज डायमेंशन लेस, वन अपॉन टू का डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन, ठीक है। तो क्योंकि नंबर है और डायमेंशन होता है फिजिकल क्वांटिटी का, नो डायमेंशन जो है यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर मास का डायमेंशन कैपिटल एम और वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, स्क्वायर जो है ऊपर फॉर्मूले का, तो हमने डाल दिया एम, ये स्क्वायर इसके ऊपर आएगा, एल स्क्वायर बनेगा, ये टी वन, ये वन के ऊपर आएगा तो टी माइनस टू हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये इसका डायमेंशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया है। नेक्स्ट डायमेंशन है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच है, मास का डायमेंशन कैपिटल एम, जी का डायमेंशन एल टी माइनस टू, ये एक्सेलरेशन है, और एच का डायमेंशन क्योंकि ये भी फासला है तो एल हो जाएगा, एल एल मल्टीप्लाई ओके एल स्क्वायर, बाकी एम और टी अपनी जगह पे रहेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट के से जाहिर करते हैं, ये हुक्स लॉ का फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू के एक्स, यहाँ से के निकालना है तो एक्स मल्टीप्लाई है नीचे जाएगा डिवाइड एफ अपॉन एक्स इक्वल टू के। अब के इक्वल टू एफ अपॉन एक्स जो है इसमें डायमेंशन इस डालने से पहले एक्स फासला है, ठीक है, तो फासले का डायमेंशन तो डाल दिया, एफ को हमने मजीद खोला एम ए लिख दिया। अगर आपको फोर्स का डायमेंशन याद है तो आप डायरेक्ट डाल दें, इसका एम का डायमेंशन कैपिटल एम, ए का डायमेंशन एल टी माइनस टू और इसका एल है, तो एल एल कैंसिल होके एम टी माइनस टू हो जाएगा। याद रखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रूफ वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा। डायमेंशन ऑफ वेट, तो वेट ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, एम कैपिटल एम आ जाएगा, जी की होती है एल टी माइनस टू। इसके बाद है एंगुलर मोमेंटम का, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, ये लीनियर मोमेंटम है मल्टीप्लाई बाय आर। अब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी, और एल का डायमेंशन जो है आर का डायमेंशन एल होता है, तो एम वी एल, ठीक है, इसका डायमेंशन डाल दिया यहाँ पर। अब m का मतलब मास है तो m डाल दिया, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन और l अपनी जगह पे आ गया, l l मल्टीप्लाई ओके l स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन जवाब आ गया। टॉर्क इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाई d, तो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल सेम है जैसे वर्क वाले का है, तो ये हम वर्क वाले में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है एफ इक्वल टू वन अपॉन टी, तो टी को ऊपर भेज देंगे टी माइनस वन हो जाएगा। इसमें एक एमसीक्यूज ये भी पूछते हैं कि एफ मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू डैश, इसको वर्डिंग में पूछते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ये भी पूछते हैं कि एफ और टी का क्या रिलेशन है, तो रिसिप्रोकल रिलेशन होता है। रिसिप्रोकल उसको कहते हैं कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो और वो उनका जो जवाब है वो वन आ जाए, ठीक है, तो रिसिप्रोकल मीन्स दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुई और उसका जवाब वन के बराबर है, यानी कि प्रोडक्ट वन के बराबर है। डायमेंशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो डायमेंशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि ये फोर्स है तो जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही होगा इसका। इसके अलावा टेंशन का पूछे तो टेंशन भी जो है एक फोर्स है, तो टेंशन का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, टेंशन जो है रस्सी में पैदा होने वाले फोर्स को कहते हैं, तो टेंशन का डायमेंशन भी यही है, फोर्स का भी यही है, वेट का भी यही है। तो अगर आपसे पूछे कि तो दो चीज़ों की डायमेंशन, दो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो सकता है, तो वह हो सकता है, और आप वर्क टॉर्क का एग्जाम्पल दे दें, फोर्स का एग्जाम्पल दे दें, टेंशन का दे दें। डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को म्यू से जाहिर करते हैं, तो ये है हमारे पास इसका फार्मूला, क्योंकि ये सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये रेशो है फोर्स और फोर्स का, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है,
ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल फोर्स कहलाता है। तो इसका डायमेंशन होता है नो डायमेंशन, ये एमसीक्यूज भी पूछते हैं कभी कभी। तो एम इसके अगर प्रूव करेंगे तो एम ए ये फार्मूला है, इसका डायमेंशन डाल दिया सारे कट जाएंगे तो नो डायमेंशन। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस जो कि आपको याद रखने चाहिए एमसीक्यूज के लिए। और आगे एक क्वेश्चन प्रूफ वाले का ये इंशाल्लाह हम इससे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।